हे दोस्तों, एजुकेशन मोड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट गाइड पिलर एंड बूस्ट डायमीटर। ठीक है, गाइड पिलर और गाइड बुश की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है कि गाइड पिलर और बुश होता क्या है, राइट? ठीक है, तो देखो जरा गाइड पिलर एंड गाइड बुश के बारे में कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर यह आपको दिख रहा है एक पिलर है और एक बुश है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज नथिंग बट गाइड पिलर एंड द गाइड बुश। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये इसका मूविंग डायरेक्शन है, मतलब जो पिलर है वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में, राइट? ठीक है, इसके मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल जो उसका होता है वो हार्ड मटेरियल होता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये मोल्ड को अलाइन करने के काम आता है। तो EN353 और EN31 मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग द गाइड पिलर एंड द गाइड बुश, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है सेंटर लाइन। तो ये सेंटर लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये सेंटर लाइन के ही अलोंग ये काम करेगा या फिर मूव करने वाला है, राइट? तो इस तरह से ये मूव करेगा, राइट? दिस इज द मूविंग डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हाई गाइड पिलर एंड बुश क्यों जरूरत पड़ती है उसको हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमको अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे पास ये कैविटी है और ये कोर है, जब ये कोर और कैविटी आपस में मैच करेंगे तो इसके अंदर क्या जाएगा, मटेरियल फील होगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर अलाइनमेंट की हमको आवश्यकता पड़ती है, विच इज द सेंटर अलाइनमेंट। जो आपको सेंटर लाइन दिख रही है उस सेंटर अलाइनमेंट की हमको आवश्यकता पड़ेगी, राइट? तो यहाँ पर दिस इज द गाइड एंड गाइड पिलर एंड द बुश, राइट? तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा कि भाई मैंने क्या बात करी, राइट? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और आता है अगेन कि भाई जरूरत क्यों पड़ती है गाइड पिलर की, वाई, राइट? तो देखो गाइड पिलर और बुश की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है, विच इज द सेंटर अलाइनमेंट, जो मैंने आपको कहा था कि सेंटर अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट तक कोई दो शाफ्ट अगर मेरे पास अवेलेबल है तो वापस में सेंटर अलाइन होना चाहिए, दोनों की सेंटर लाइन एक होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो जैसे अगर सेंटर लाइन एक रहेगी ना तो ही आपके पार्ट की जो क्वालिटी रहेगी वो अच्छी बनेगी, मतलब फॉर द गुड क्वालिटी क्वालिटी विद द यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस। अगर यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस रहेगी तो पार्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, कंपोनेंट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, राइट? तो ये सेंटर लाइन जो होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सेंटर लाइन शुड बी सेम फॉर कोर एंड कैविटी, राइट? ये चीज हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक टॉप व्यू में मोल्ड है, ठीक है, जिसको कोर और कैविटी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके बीच में मैं क्या कर चार पिलर को रखता हूं, ठीक है, कोर और कैविटी को रखूंगा इसके बीच में, तो यहां पर ये सेंटर अलाइन होना चाहिए। लेकिन ये सेंटर अलाइन कौन करेगा, ये करेगा गाइड पिलर एंड द गाइड बुश। तो अगर गाइड पिलर और गाइड बुश अगर अलाइन अच्छे से रहेंगे, उसकी सही पोजिशन रहेगी, तभी तो हमारा कोर और कैविटी का सेंटर अलाइनमेंट होगा, राइट? गाइड पिलर कैलकुलेशन के बारे में अगर थोड़ा समझे, राइट? गाइड पिलर का कैलकुलेशन बेसिकली जो डिपेंड करता है वो करता है दो चीजों के ऊपर, मोल्ड का वेट और पिलर का लेंथ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मोल्ड का वेट और पिलर का लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं। उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, विच इज द डी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल टू दी पावर क्यू मल्टीप्लाई बाय 64। ठीक है, और ब्रैकेट में आप ये दिख रहा है 3e पाई डेलमैक्स, राइट? इसकी जो पावर रहेगी वो 0.25 रहेगी। ठीक, जहां पर अगर मैं बताऊं डब्ल्यू इज नथिंग बट इट इज द वेट ऑफ द मोल्ड बेस, ठीक है, एल इज नथिंग बट टोटल पिलर लेंथ, ई जो है वो यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल है, जो कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, डेलमैक्स जो है डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील, कि भाई इतना कुछ मैक्सिमम फोर्स लगाने के बाद आपका जो स्टील है वो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन जरूर आएगा उसके अंदर, राइट? ठीक है, जो गाइड की पिलर जो कैलकुलेशन होती है ना, बेसिकली वो मोल्ड के वेट और पिलर लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मोल्ड का वेट समझते हैं। तो मोल्ड का पूरा कंप्लीट ये चीज समझ में आना चाहिए कि मोल्ड की लेंथ और वेट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब ये पूरा कंप्लीट समझ जाओगे तो सॉलिड डेंसिटी पुटअप करोगे, विच इज एमएस की सॉलिड डेंसिटी 7.85 होती है, तो जिससे आपका क्या निकल जाएगा, मोल्ड का वेट या फिर मास उसका निकल जाएगा, राइट? ठीक है, उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज लेक्चर 5 और लेक्चर 6 को देखिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि मोल्ड की लेंथ और विड्थ हम लोग कैसे निकालते हैं और मोल्ड की हाइट को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ताकि मोल्ड का हम लोग मास निकाल सकें, मोल्ड का पूरा कंप्लीट वेट निकाल सकें। क्लियर है? चलो पिलर लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे। मेरे पास एक पिलर है ना, एक गाइड पिलर है। ठीक है, मैंने डिसाइड करना है भाई मुझे यहाँ पर क्या है, डी का डायमीटर निकालना है। तो डी का डायमीटर के लिए हमको इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, पिलर का लेंथ, राइट? तो पिलर का जो लेंथ रहेगा वो कंपोनेंट की हाइट से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने बोला भाई कंपोनेंट का हाइट प्लस 20 mm, राइट? D1 जो है वो D के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास एक बार D का डायमीटर निकल गया तो D1 इक्वल टू D प्लस 8 एंड D2 इक्वल टू D1 प्लस 8,
ठीक है, तो यहाँ पर शोल्डर और कॉलर वाला जो डायमीटर रहेगा वो डी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। यहाँ पर एक नोट देखते हैं, 20 mm इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, हम लोगों ने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। अगर थ्री प्लेट अगर मोल्ड मेरे पास रहेगा तो पिलर का लेंथ और ज़्यादा हम लोग लेते हैं, राइट। ठीक है, तो दिस इज द सेंटर लाइन, राइट। एग्जाम्पल फॉर द कैलकुलेशन समझे हम लोग, कि भाई इसका एग्जाम्पल है एक कैलकुलेशन के लिए। देखो, इफ द मोल्ड वेट इज 250 kg, है ना, 250 kg का अगर मोल्ड है, वन पिलर का लेंथ अगर 60 mm है, देन व्हाट विल बी द गाइड पिलर डायमीटर रिक्वायर्ड फॉर मोल्ड। ठीक है, मतलब गाइड पिलर का डायमीटर क्या होगा, चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। देखो, गिवन डाटा हमको दिया है कि W जो है वो 250 kg है और L जो है वो 60 mm है, इनटू मल्टीप्लाई बाय 4 काय के लिए, क्योंकि हम लोगों ने नंबर ऑफ गाइड पिलर जो है यहाँ पर 4 लिए हैं, राइट। तो नंबर ऑफ गाइड पिलर 4 लिए हैं, तो 60 mm मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, राइट। तो इस जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसके अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, डी का कुछ वैल्यू मिलेगा, विच इज द 25.70 mm, राइट। तो 25.70 mm ये डी का डायमीटर हम लोगों ने निकाला है, विच इज द एक्सेप्टेबल, और इससे हम लोगों को ज्यादा लेना पड़ेगा। तो डायमीटर जब भी हमारा निकलता है तो गाइड पिलर का डायमीटर इसी कैलकुलेटेड वैल्यू से थोड़ा सा हम लोग ज्यादा लेते हैं, ताकि सेफ्टी पर्पज के लिए, जिसको आप बोल सकते हो। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।